खरगोन जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगी संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने अपनी मुख्य मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर न्यायोचित मांगों को पूर्ण किए जाने का आग्रह किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके बदले बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित करने के साथ आशाओं को 10,000 रुपए और सहयोगियों के लिए 15,000 रुपए वेतन तय किया जाए। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य जमीनी स्तर पर NHM के तहत कार्य करने वाली आशा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं द्वारा ईमानदारी पूर्वक किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी ये समस्या है, समस्या तो हमारी आशा कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा रहती है, आशा पर्यवेक्षक की, और हमारी मांगे उनको मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि पत्रकार भैया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं कि हम आशा और आशा पर्यवेक्षक की बातों को, गरीब वर्ग की महिलाओं को बातों को आगे तक पहुँचाए, इसलिए हम उनके आभारी हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी सरकार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे इतनी मांगों को देखते हुए प्रेरक राशि आशाओं की भी बढ़ाई गई है और आशा पर्यवेक्षक की भी बढ़ाई है। पर हमारा सबका ये कहना है कि अगर पर्यवेक्षक मतलब प्रेरक राशि बढ़ाई है, इसमें न बढ़ाते हुए आशा कार्यकर्ता को 10,000 और आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये दे के इनको नियमित किया जाए, और जो कोविड सत्र में अभी तक हमारी आशा और आशा पर्यवेक्षक ने काम किया था उसका 1,000 रुपया अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण से हमारी खास मांगे यही रखी गई है कि अभी तक किसी को भुगतान कोविड सत्र के नहीं हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द कोविड सत्र का भुगतान किया जाए। और जो आशा कार्यकर्ता NM GNM आशा पर्यवेक्षक करी हुई है उनको पदोन्नति द्वारा सरकार लिया जाए। क्या नाम है आपका? रेखा रणसोरे, जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।